हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बैकनेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं गला रखी हूँ 3.5 इंच और इस तरीके से यहाँ पे 2 इंच का गैपिंग दूंगी। गैप यहाँ पे 2 इंच का रहेगा, 2 इंच का यहाँ पे गैप दे देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे से हमें क्या करना है, नीचे से 1/2 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है। इसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच या 2 इंच आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ, ठीक है, 3 इंच यहाँ पे रख रही हूँ। तो इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पे इसका चौड़ाई जो है वो 3 इंच का देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 इंच अगर बहुत छोटा हो रहा होगा तो आप 3.5 इंच दे सकते हैं। अगर शरीर हैवी है तो 4 इंच तक भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो 3.5 इंच परफेक्ट होता है, सिलाई करके 4 इंच आ जाता है। तो इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अगर यहाँ पे छोटा लग रहा होगा तो 1/2 इंच और बढ़ा दीजिए, 1/2 इंच दोनों साइड। अगर 1/2 इंच आप बढ़ा देंगे तो परफेक्ट साइज 3.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं 3.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा ले रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। इसके बाद इसको हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे डिज़ाइन दूंगी। इस तरीके से डिज़ाइन देने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पहले इसको डार्क कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद जस्ट पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको थपथपा देना है, वो जो हमारा निशान है वो दूसरे साइड भी लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसको हम गहरा कर लेंगे, जो हमारा चौक है उससे इस तरीके से। इस तरीके से लॉक करके धागा को आपको निकाल लेना है, बीच से कट कर लेना है। कट करने के बाद चारों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको सिलाई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सिलाई जो किए हैं उसकी दूरी पे आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद छोटा छोटा यहाँ पे कट लगा लीजिए आप। इस तरीके से आपको पूरा पलट लेना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, साइड से सिलाई करना है, अंदर से आपको सिलाई करना है। पहले पलट के देख लेना है आपको कि सही आ रहा है या नहीं। कॉर्नर में आपको अच्छे से कट लगा लेना है, उसके बाद आपको पलट लेना है। तो पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको अस्तर की ओर सिलाई दबा के आपको सिलाई करना है। तो इस तरीके से सिलाई करते जाना है। आप चाहें तो पहले सिलाई कर लीजिए उसके बाद प्रेस करिए, आप पहले प्रेस कर लीजिए उसके बाद सिलाई करिए, दोनों काम आपको कर लेना है। तो देखिए पहले सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने आपको जस्ट साइड में आपको सिलाई करना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो डिज़ाइन है प्रेस करने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं कच्चा सिलाई कर लूँगी फ्रेंड्स। साइड से हमें चारों ओर से कच्चा सिलाई करना है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बचा हुआ कपड़ा को हम यहाँ पे कट करेंगे। देख सकते हैं हम फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आपको देखिए इंची टेप ले लेना है। इंची टेप लेने के बाद आपको मार्किंग कर लेना है कि हमारा मेन मार्किंग कहाँ पे है। उसके बाद आपको नीचे को दबा देना है और ये काम आप लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा जब आप स्लाइड का फिटिंग करते हैं तब। सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमें 3.5 इंच का तैयार करना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइड में आपको
टक्स लगाना है तो इस तरीके से 4.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी दोनों साइड 4.5 इंच पर। लंबाई भी इसका मैं 4 इंच रखूंगी तो दोनों साइड आपको 4.5 इंच पे 4 इंच का लंबाई टक्स लगा लेना है। तो इसका मैं सिलाई भी कर लूंगी। इस तरीके से एक साइड का हमारा हो गया है, एक साइड का और कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हैवी बॉडी है तो आप इस तरीके से ज़्यादा लीजिएगा यहाँ पे टक्स के लिए, नहीं तो 1/2 इंच काफ़ी होता है। तो इस तरीके से मैं टक्स लगा ली हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक बकरम लेंगे, बकरम को 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी नेक। इस तरीके से रखने के बाद आपको सेम मार्किंग कर देना है। सेम मार्किंग करने से क्या होगा कि हमारा जो निशान है वो इस तरीके से लगा लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से निशान लगा लीजिए। इसके बाद आपको कट लगा लेना है, कट कर लेना है लेंगे, बीच से भी कट लगा लेंगे और इसको आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप एक कपड़ा ले लीजिए, आप इस तरीके से उसको प्रेस से चिपका लीजिए और नीचे से आपको स्पेस छोड़ना है और उस पर कट लगा लेना है। तो कट लगा लीजिए, उसके बाद इसको मोड़ते जाइए सिलाई करते जाइए, मोड़ते जाइए सिलाई करते जाइए। तो ये हमारा पैक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे कटिंग कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद सेम यहाँ पे सिलाई कर दूंगी तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि ये कटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि सिलाई अच्छे से नहीं बैठता है, आपको बाद में कटिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पे पहले से कटिंग कर ली थी इसीलिए इसको पहले से कटिंग कर दे रही हूँ। अब देखिए इसको पलट लेना है, पलटने के बाद आपको सीधा सिलाई मार लेना है। इस तरीके से मैं इसमें फ्लावर बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा ली हूँ, दो कपड़ा ली हूँ। इसका लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको। लंबाई देखिए 10 इंच का लंबाई है ये और 6 इंच का ये चौड़ाई है। तो इस तरीके से आपको कपड़ा ले लेना है और इस तरीके से दो कपड़ा मैं और ली हूँ इसका कली बनाने के लिए। इस तरीके से सबसे पहले इसको सिलाई करूँगी मैं साइड से। सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, नीचे में आपको जाके रोक देना है। रोकने के बाद इस तरीके से तिरछा आपको ले के जाना है, इस सिलाई को आपको तिरछा लेके जाना है। इस तरीके से तिरछा लेके जाएंगे तो यहाँ पे कोन बन जाएगा जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से दोनों साइड का सिलाई मैं कर लूँगी। सिलाई करने के बाद आपको जो कपड़ा मिला था उसको भी आपको चारों साइड से सिलाई कर लेना है। चारों साइड से सिलाई आप पूरा पैक मत करिएगा, थोड़ा सा आपको स्पेस बचा देना है ताकि हम अंदर का कपड़ा बाहर निकाल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अंदर का कपड़ा हम बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं अंदर का कपड़ा मैं बाहर निकाल ली हूँ और अब कोने कोने को आपको इस तरीके से किसी चीज़ की सहायता से इसको निकाल लेना है अच्छे से। अब आपको यहाँ पे सिलाई कर लेना है, जो बचा हुआ है स्पेस वहाँ पर सिलाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सिलाई कर ले रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिलाई कर ली हूँ। इस तरीके से सिलाई करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आपको सुई धागा की हेल्प से इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। तो पहले मैं सुई धागा ले लूँगी। सुई धागा लेने के बाद आपको इस तरीके से गाँठ बांध लेना है पहले। इसके बाद सेंटर पॉइंट लगाना है, आपको बीच से सेंटर पॉइंट लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद आपको इस तरीके से निकाल लेना है सुई को। अब यहाँ पे अच्छे से
सुई धागे से इस तरीके से राउंड राउंड करके इसको बांध लेना है। अब धागा को कट कर लेना है। ये हमारा तैयार हो गया है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको भी हम किसी नोकीली चीज़ से इस तरीके से निकाल लेंगे बाहर, इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे आपको इस तरीके से सेंटर है, वहाँ पे आपको इस तरीके से अटैच करना है। जितना आप इसका लंबाई चाहते हैं उतना लंबाई रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको सिलाई कर दूंगी यहाँ पे। ये हमारा सिलाई हो गया है, एक और सिलाई कर लूंगी। इसको थोड़ा सा तिरछा रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि तिरछा रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा ये। तो इस तरीके से आपको सिलाई पे तिरछा रखना है। देखिए, अब मैं इसको सिलाई कर ली हूँ। अब आपको यहाँ पे धागा को कट कर लेना है। अब जो हमारा बना हुआ है इसको आपको, जो हमारा लेस पट्टी है, लेस पट्टी से आपको इसको पैक कर लेना है। तो देखिए, लेस पट्टी मैं इस तरीके से रख रही हूँ, इसको मैं सिलाई कर लूँगी। लेस पट्टी को इस तरीके से आपको सिलाई कर लेना है। इसके बाद सिलाई करने के बाद कट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है जहाँ पे आपको लगाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे सुई धागा की मदद से इसको अटैच कर लेना है। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। इसको धागा को लॉक कर लेंगे। मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से हम शोल्डर को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बचा हुआ कपड़े को अच्छे से बराबर से कटिंग कर लीजिए। दोनों साइड का शोल्डर आपको इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लूँगी तो इस तरीके से बराबर आपको रखना है और साइड से आपको सिलाई कर देना है। कटिंग कर देना है बचा हुआ कपड़े को, और दूसरे साइड भी मैं इस तरीके से सिलाई कर लूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बचा हुआ कपड़े को यहाँ भी मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पे तुरपाई कर देना है जो बचा हुआ कपड़ा है उसको। इसके बाद मैं आपको आस्तीन तीन को जोड़ने के लिए बताऊंगी फ्रेंड्स। ये आस्तीन का अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। अब आपको इस तरीके से अटैच करना है स्लीव को। जिस साइड आपका गहराई है स्लीव में, उस साइड आपको सामने रखना है, और जिस साइड आपका गहराई नहीं है उस साइड को पीछे रखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है सिलाई करते टाइम। इस ब्लाउज का पूरा जितना भी मैं स्टिचिंग की हूँ, कटिंग की हूँ, पूरा का वीडियो मैं अपलोड की हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। दोनों साइड का स्लीव इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है। मैं दोनों साइड की सिलाई यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने का तरीका आपको बताती हूँ मैं। तो इस तरीके से आपका मोहरी जितना हो आस्तीन का उतना पे आपको निशान लगा लेना है। इस तरीके से मैं 5 इंच पर निशान लगाऊँगी, 5 इंच पर। इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर पहले अटैच कर लूँगी। इसके बाद हम सीना का
चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 2 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे रखी थी, तो आपको सेंटर से इस तरीके से 9 इंच पे या इधर से आपको 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इस तरीके से राउंड देना है, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा करेंगे तो आपका जो स्लीव है वो फोल्ड मारेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका रिंकल पड़ने लगेगा, फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। अब आपको नीचे में भी क्या करना है फ्रेंड्स, 2 इंच की दूरी पे आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि अगर आप कटिंग परफेक्ट किए हैं, अगर एक्स्ट्रा मार्जिन आप 2 इंच रखे हैं, तो सिलाई करते टाइम आप बेझिझक आप इस तरीके से निशान लगाकर आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है, हम यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करते हैं। अगर आपको चेन लगाना नहीं आता, जिप लगाना नहीं आता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा, उसका भी मैं वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन और मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।